हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएसएफ चौहान। तो गैस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक, और जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 जो कि है शब्दार्थ। तो 19 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गैस, यहाँ है हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्स में हम देख लेते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया, अभी हम जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 20 अभी करेंगे और बाकी हम आगे भी देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपसे एक बात और कहनी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो गाइस, जस्ट मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, हाँ थोड़ा टाइम हो गया है, नो डाउट। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 हमें करना है। चलिए पहुँच जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 20 पर। तो गाइस, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 20। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स की घटना चक्र देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक चीज़ और दोस्तों, ये जो है हमारा चैप्टर वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहाँ लिखा है वर्ण क्रमानुसार, ठीक है, यानी आ आ जो भी इस तरह से। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, इसमें लिखा है अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, गोद है, संख्या है, चिन्ह और अंग है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा अंग। अंग जो है अंक का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, चलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर लिखा है अज्ञ का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं, अर्थात ज्ञान शून्य व्यक्ति को अज्ञ कहते हैं, मतलब जिसे कुछ ना पता हो। चलिए नेक्स्ट पे है, लिखा है अंकुरव को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंकुरित होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है अवली और आवली का अर्थ, तो अवली और आवली का अर्थ क्या है, पंक्ति और गंदा। पंक्ति मतलब अवली का अर्थ है एंड आवली का हो गया गंदा। आगे बढ़ते हैं, तो इस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जो अवली है स्त्रीलिंग जाति का संज्ञावाचक शब्द है और जिसका अर्थ होता है पंक्ति या फिर हम कह सकते हैं कतार। और फिर आवली की अगर बात करें तो विशेष विशेषणवाचक शब्द है और जिसका अर्थ होता है गंदा, कलुषित, मैला और पंकिल, ये सारे हो सकते हैं। फिर लिखा है आइसन बात काबर करथब का अर्थ क्या होगा, यानी कि गैस यहाँ पे लिखा है ऐसी बात क्यों करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के सी सेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी वाक्य है ये, आइसन बात काबर करथब, ठीक है, इसका मतलब हो गया ऐसी बात क्यों करते हैं। चलिए इसमें लिखा है अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा है बेजोड़, आंसर है इसका बेजोड़। फिर लिखा है अरण चंद्रिका का अर्थ क्या हो गया, योग्य निष्प्रयोजन पदार्थ। अरण चंद्रिका का अर्थ ऐसी चंद्रिका या फिर शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, ठीक है। अरण चंद्रिका जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या हो गया, निष्प्रयोजन पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है अटाटूट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बहुत अधिक। लिखा है अंधेर नगरी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अन्याय की जगह, एक आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही है अन्याय की जगह अंधेर नगरी। फिर लिखा है अप्सरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा, इसमें लिखा है नचकाहरिन, ओके। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने जो उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर क्या था, सी दिया गया था। अभी हमने सी क्या देखा था, अप्सरा है, ठीक है, सी में लिया है अप्सरा। और फिर उसके बाद क्या है कि कुछ संशोधन के बाद आंसर क्या आया, डी आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है अब्ज, अब्ज का अर्थ क्या है, देखिए अब्ज का अर्थ इसमें लिखा है कमल और चंद्रमा। लिखा है अब्ज पुल्लिंग जाति का संज्ञा शब्द होने के साथ क्या है, अनेकार्थी शब्द भी है, मतलब इसका एक से ज़्यादा अर्थ, लाइक कमल हो गया, चंद्रमा हो गया, शंख, धनवंतरी हो गया, कपूर हो गया, सारे हो गए। अब नेक्स्ट लिखा है आँच का अर्थ क्या है, आँच मतलब हो गया गर्मी, लपट और हानि, ये सब आँच होती है, ठीक है। अब लिखा है आत्मश्लांघा शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते यहाँ पे आंसर है आपका बी, यानी कि अपनी प्रशंसा करना।
ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है। फिर इसमें लिखा है आस्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो है अनुराग। फिर लिखा है हुताशन का अर्थ क्या हो गया, अग्नि। फिर है पिक प्रिय का अर्थ हो गया आम। जन्मदात्री जन्म देने वाली माता को कहते हैं। फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है उपत्यका का अर्थ क्या हुआ, पर्वत के पास की भूमि। तो पर्वत शिखर पर स्थित भूमि को हम क्या बोलते हैं, अधित्यका। देखिए नेक्स्ट आपका हो गया, यहाँ पे लिखा है ओटना या ओटना का अर्थ क्या होगा। देखिए एक लिखा है बिनौले अलग करना और खोलाना, ठीक है। यहाँ लिखा है ओटना का हिंदी में अर्थ कपास से बिनौले अलग करना होता है। फिर ओटना का अर्थ खोलाना, दूध रस या किसी तरल पदार्थ को आंच पर चढ़ाकर गाढ़ा करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कपट और कपाट का क्या अर्थ है, तो एक का हो गया आपका धोखा, दूसरे का हो गया दरवाज़ा। तो गाइस यहाँ देखिए लिखा है कपट संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए धोखा छल दंभ मक्कारी सट्टा। फिर गाइस यहाँ लिखा है कपाट भी क्या है, संज्ञा पुल्लिंग शब्द है जिसका मतलब हो गया किवाड़ हो गया, दरवाज़ा द्वार पट इत्यादि सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर लिखा है कक्ष का अर्थ, कक्ष का अर्थ क्या होगा, एक हो गया आपका कमरा, एक हो गया कांख। चलिए कमरा देखिए, कक्ष जो है आपका संस्कृत भाषा का संज्ञा पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ देखिए लिखा है कमरा, कांख, कछार, सूखी घास, कखौरी, नाव का एक भाग इत्यादि, ये सब क्या है, कक्ष के अर्थ हो गए। अब यहाँ लिखा है काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है, तो यहाँ पे है व्यंग्य। लिखा है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, एक लिखा है क्लीव कृषक क्रम कृषाणु, तो इन सब में से सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, क्लीव आएगा। देखिए हिंदी शब्दकोश में क्लीव सबसे अंत में आएगा। शब्दकोश में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए, एक हो गया कृषाण कृषाणु कृषक क्रम और क्लीव। फिर गए दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ क्या है, दर्शाता सही विकल्प कौन सा है, तो वैसे इसका जो अर्थ होगा वो हो गया एहसान फरामोश, ठीक है। तो उपकार भूल जाने अथवा ना मानने वाला अर्थात कृतघ्न, किसी का किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाने या ना मानने वाला, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है खोतली, खोतली क्या है, तो गाइस खोतली क्या है, नारियल का कड़ा छिलका जो होता है उसको हम खोतली बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ख रा और वा, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो गया लंगड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक छत्तीसगढ़ी शब्द है और जिसका मतलब हो गया लंगड़ा। लिखा है गणना गणना शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो गाइस इसमें क्या है, गणना मतलब गिनती हो गया और गणना मतलब चुभना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है गूंधना और गूंथना का अर्थ क्या हो गया, तो गूंधना मतलब हो गया सानना और गूंथना मतलब गूंथना मतलब हो गया पिरोना। देखिए वे दो शब्द जिसके उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है किंतु उनमें अर्थ के आधार पर कोई समानता नहीं होती, मतलब अर्थ दोनों का अलग अलग है, युग्म शब्द कहते हैं हम उन्हें, ठीक है। फिर लिखा है प्रश्नगत युग्म शब्द जो है आपका गूंथना और गूंथना अर्थ का जो अर्थ है वो है सानना और पिरोना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है गूंथना का प्रयोग आटा के लिए और गूंथना का प्रयोग जो हो गया माला के लिए किया जा सकता है, मतलब माला को गूंथते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है, तो देखिए गौ का अर्थ गाय हम जानते हैं, ठीक है। गौ नदी के लिए यूज़ होता है, इंद्रिय के लिए होता है, गज के लिए नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रख्यात कोशकार
वामन शिवराम आप्टे ने अपने संस्कृत हिंदी कोश में गौ शब्द और उनसे जुड़े शब्दों के अर्थ के लिए 2 पृष्ठों में 1000 से अधिक जो है प्रविष्टियां दी हैं, और जिसमें मवेशी, गाय, तारे, आकाश, इंद्र का ब्रज, पृथ्वी, वाणी, संस्कृति, माता, दिशा, जल, सांड, बैल, संख्या 9, चंद्रमा, घोड़ा, इंद्रिय, गोदावरी नामक नदी यानी कि गौ द आदि शामिल है, और सूची में कहीं भी गज गौ के अर्थ में नहीं है। और इस प्रामाणिक कोश के आधार पर विकल्प क्या हो गया हमारा, डी यानी कि गज हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखा है नीचे दिए गए शब्दों के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। यानी कि यहाँ पे लिखा है गेंद गेंद, तो इसका मतलब हो गया बड़ा हाथी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है जटिल, जटिल का अर्थ होता है गैस पेचीदा। फिर आ जाते हैं, यहाँ लिखा है जड़ का अर्थ हो गया आपका मूल, कारण और मूर्ख। ठीक है, तो यहाँ देखिए मूल है, कारण है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, अचेतन है, बहरा है, ये सारे हमारे जड़ के लिए होते हैं यूज। फिर लिखा है निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ लिखा है टुक टूक। ठीक है, तो देखिए टुक मतलब थोड़ा और टूक मतलब टुकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है डूंगरी। आइए, तो गाइस यहाँ पे देखिए डूंगरी अंग्रेजी का अर्थ मतलब मोटा सूती कपड़ा होता है, और डूंगरी या डूगरी ये हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पहाड़ी। चलिए यहाँ लिखा है डांट डांट देना। ठीक है, यानी कि जुर्माना देना। लिखा है निम्नलिखित में से एक का अर्थ तेल भी है, क्या तेल भी है, किसका, स्नेह, स्नेह का अर्थ हो गया तेल। अब लिखा है प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग, चारों प्रेम के पर्यायवाची हैं, किसके, प्रेम के। फिर लिखा है द्रोण का अर्थ, द्रोण का अर्थ क्या, द्रोणाचार या कौआ, और भी द्रोणाचार, कौआ, पत्ते का दोना, लकड़ी का रथ, बिच्छू, ये सब द्रोण के अर्थ होते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है, ओके तो देखिए तरंग है, वीची और हिलोर, ये सब लहर के ही अर्थ हैं। फिर लिखा है दुकूल, ये नहीं है। चलिए ये देखें क्या लिखा है, प्रश्नगत विकल्पों में दुकूल का अर्थ लहर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है, वस्त्र या कपड़ा होता है, बाकी तीनों तो लहर के ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है दिन और दीन का अर्थ क्या हुआ। देखिए गाइस यहाँ दिन का तो सभी जानते हैं दिवस होता है, और दीन का मतलब हो गया गरीब। तो गाइस यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों का प्रयोग संज्ञा विशेषण दोनों के रूप में किया जाता है, ये पुल्लिंग शब्द है। दिवस और दिन एक दूसरे के पर्याय हैं। दिन शब्द का भी प्रयोग जो है संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में किया जाता है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। फिर लिखा है निर्धन, गरीब, दरिद्र इत्यादि इसके क्या है, पर्याय हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लिखा है परिभाषित शब्द वे हैं, क्या है, देखिए वे हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। फिर लिखा है पक्ष का अर्थ है, पक्ष, पक्ष का अर्थ होता है पंख या ओर। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पंख, ओर, तरक, पाशर्व इत्यादि इसी के अर्थ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। चलिए यहाँ लिखा है जंगल, वन, कानन और अरण्य, तो हमारा आंसर हो गया वन। आइए देखें क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में सभी जो है जंगल को व्यक्त करते हैं, लेकिन वन शब्द का अर्थ पानी भी होता है। ठीक है, तो बी जो है उत्तर सही है। स्रोत भी देख लेते हैं, यानी कि सोर्स ये कहाँ आपको मिलेगा, तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, और ये है पेज नंबर आपको 249 में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ क्या है, पतवार भी है, मतलब पतवार किसका अर्थ है, तो यहाँ लिखा है कर्ण का। चलिए आगे इसमें भी देख लेते हैं, तो इसके अन्य अर्थ क्या है, कुंती पुत्र हो गया, कान हो गया, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, ये हो गया। अन्य तीनों विकल्प सुनने का काम करने वाली इंद्रियों का बोध बता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है पटंतर, पटंतर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया उपमा। मूल शब्द पटतर से पटंतर बना हुआ है, और पटतर शब्द का अर्थ होता है तुल्यता,
समानता, बराबरी, सदृश, ये सब होते हैं। पटंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? उपमा होता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ लिखा है पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर का होता है सरोवर, और इसमें लिखा है मूषक का अभिप्राय होता है चूहा, ये तो जानते हैं हम लोग। फिर यहाँ लिखा है पन्ही का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है जूता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है पगरहित का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है वर का पिता या अभिभावक। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है गैस? इसका मतलब होता है लिखित इतिहास के पहले का, यानी कि इतिहास के भी बहुत सारे पार्ट हो गए। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम आता है जब लिखा हुआ होता है, जिसे हम पढ़ के पता चलता है क्या ऐसा कुछ हुआ था, और उससे भी पहले यानी जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, प्रागैतिहासिक बोलते हैं उसको। अब यहाँ कुछ निर्देश है, देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार चार चलिए यहाँ लिखा है नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार चार विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रायोगिक, तो प्रायोगिक के लिए क्या होगा? ओके, यहाँ लिखा है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है गाइस यहाँ पे ना, एक्चुअली थोड़ा मुझे सही से टाइम नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। बस मुझे वीडियो बनानी है तो मैं बना देती हूँ, बट थोड़ा सा ना टाइम सही से मिल नहीं पा रहा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ लिखा है फूल, फूल के लिए क्या होगा? पुष्प होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। चलिए फूल का समानार्थी शब्द और भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है पुष्प है, सुमन है, कुसुम है, प्रसून इत्यादि सारे हैं। फिर लिखा है बलि और बलि। ओके, बलि और बलि का अर्थ क्या हो गया? बलि मतलब हो गया बलिदान, और बलि का मतलब हो गया वीर। चलिए यहाँ लिखा है बहाना, बहाना मतलब टाल मटोल करना। तो इसका ये क्या है के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? यानी कि औखी बोलते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस वाले टेंशन ले ऐसे क्वेश्चन के लिए, सब ना ले। यहाँ लिखा है भूडोल का अर्थ क्या होगा? तो भूडोल इसमें लिखा है जल जला, भूडोल मतलब जल जला, या फिर हम कह सकते हैं भूकंप। अब लिखा है मनुजात और मनुजाद, मतलब यहाँ पे क्या अंतर है त और द में? ठीक है, तो मनुजात का अर्थ क्या हो जाएगा? मानव, और मनुजात का हो गया राक्षस। और मनुजात का अर्थ गाइस देखिए, मनुजात का मतलब हो गया मनुष्य, हो गया मनुपुत्र भी कह सकते हैं। मनुजात का मतलब हो गया आपका नर भक्षक या फिर राक्षस, दोनों हो सकते हैं। फिर लिखा है मैं जाता रहा या रही हूँ का छत्तीसगढ़ी रूप क्या है? छत्तीसगढ़ वाले टेंशन ले इस क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब हो गया मैं हाँ जाता हो, बताइए। तो अब यहाँ फिर निर्देश है, निर्देश क्या पढ़े, एक ही बात है, सही आंसर बताना है आपको। तो इसमें लिखा है कि मूढ़ चेता का मतलब क्या हो गया? यहाँ मतलब हो गया मूर्ख। देखिए तो हमें यहाँ देखना है, इसमें लिखा है मूढ़ चेता का अर्थ जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो। ठीक है, तो इसके लिए सही विकल्प हमें पता है डी होगा, और कोई खास है नहीं, तो मूर्ख मान लिया इसका। फिर इसमें लिखा है सही विकल्प चुनना है भाषा यादृच्छिक संकेत है। तो यादृच्छिक से तात्पर्य क्या है? यानी कि हो गया आपका ऐच्छिक। ये क्या है? एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या फिर ऐच्छिक। यहाँ लिखा है रसाल, रसाल का अर्थ बताइए। तो रसाल मतलब हो गया आम। फिर लिखा है शब्द रचना की दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? रस से युक्त होगा। फिर लिखा है वर्ण का अर्थ नहीं है, मतलब देखिए वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, जाति भी होता है, रंग भी होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता। ठीक है, क्या क्या होता है? अक्षर है, रंग है, जाति है। फिर लिखा है वरी सॉरी विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब हो गया पुरखों से प्राप्त। तो इसमें लिखा है पुरखों से प्राप्त हुई क्या वस्तु हो सकती है, ज्ञान हो सकती है, ये सब क्या हो गया आपका विरासत। फिर लिखा है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होगा? वनिता, वनिता मतलब हो गया यहाँ पे स्त्री। तो और भी देख लेते, अबला, नारी, रमणी, कामिनी इत्यादि इसके पर्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? शहद नहीं है। बाकी हैं कौन कौन से? पपिया है, कामदेव है, राजहंस, ये सारे हैं। और भी देख लेते हैं क्या क्या है गाइस। तो सारंग का अर्थ पपिया, कामदेव, राजहंस, कोयल, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, भौरा, धनुष, बादल, ये सारे हैं।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है संकर शब्द किसे कहते हैं, तो ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसको हम बोलते हैं संकर शब्द। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है श्वेत और स्वेद का अर्थ, मतलब श्वेत मीन्स तो हम सब जानते हैं सफ़ेद होता है और स्वेद मतलब होता है पसीना। चलिए यहाँ लिखा है सफ़ेद उजाला धवल शुभ्र उज्जवल, ये सब श्वेत के समानार्थी शब्द हैं और श्वेत का अर्थ हो गया आपका पसीना। लिखा है शोध, शोध का अर्थ क्या है, शोध का अर्थ क्या है अनुसंधान, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऋण, ऋण का अर्थ होता है सत्य, सॉरी ऋत है, सॉरी ऋत है, ऋत का अर्थ होता है सत्य। चलिए आगे, ओके यस, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 20 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब कुछ बात कर लेते हैं गाइस। देखिए मेरी वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है ज्योग्राफी और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, तो गाइस अभी मैं बस आपको इतना बता दूं कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ माय बेबी। तो अभी मुझे मेरा बेबी हुआ है और इस वजह से अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना ही टाइम है कि मैं एक वीडियो जो है 20 to 25 मिनट के बीच की डाल सकूँ। हालांकि इतना भी टाइम सही से नहीं मिल पाता क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अप्रॉक्स 7 फेब से अभी 7 अप्रैल जब आएगा तो 2 महीने होंगे अभी फ़िलहाल मुझे, तो अभी इतना टाइम नहीं हो पाता क्योंकि बेबी को भी देखना होता है, घर भी देखना, थोड़ा बहुत तो काम करना ही होता है, तो इस वजह से, और फिर वीडियो भी बनानी होती है, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ना होता है, तो नहीं हो पाता अभी टाइम। तो फिलहाल ये है कि हर दिन एक वीडियो आती रहेगी, ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी भी वीडियो लगातार आती रहेगी। और जितना आप सपोर्ट करते हैं उस सपोर्ट के लिए थैंक यू। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सजेशन में आप लोग बता सकते हैं, अगर आपको कोई बुक और अच्छी लगती है आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बताइए, ठीक है उसे भी हम ले आएंगे। तो हालांकि फ़िलहाल मेरे पर टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं ही होगा, टाइम है भी थोड़ा, मैं अपनी स्टडी के लिए भी लगा देती हूँ टाइम, ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड, अब से थोड़ी बहुत बातें करा करेंगे वीडियो के एंड में, स्टार्टिंग में तो नहीं करेंगे, जिसे इंटरेस्ट हो सुनेगा, जैसे नहीं होगा वो स्किप करके भाग जाएगा। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के संग, चैप्टर नंबर 21 यानी कि उपसर्ग के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को एंड।